और आइए कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। बुलंदशहर से जीत की हैट्रिक लगाने वाले सांसद भोला सिंह ने विपक्ष के शपथ ग्रहण से दूरी बनाने को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि गरीब मां के बेटे को पीएम पद की तीसरी बार शपथ लेना विपक्ष के नेताओं को अच्छा नहीं लग रहा है और इसी वजह से विपक्ष के नेता शपथ ग्रहण से दूरी बना रहे हैं। भाई साहब, इतना ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी, तमाम आपके सांसद हार गए जो लगातार चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन आप तीसरी बार जीत के आए, क्या आपकी रणनीति क्या रही? देखिए, ये हमारे विश्व के लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यश है और उनकी कार्यशैली है। 10 साल में ऐतिहासिक विकास बुलंदशहर की लोकसभा में हुआ है और प्रमुखता से जो बहुत बड़ी समस्याएं हमारे यहाँ मेडिकल की होती थी, तो एक हॉस्पिटल के साथ साथ एक मेडिकल कॉलेज भी हमारी सरकार ने बुलंदशहर के लिए दिया है। सड़कों का अच्छा निर्माण हुआ है। बाकी सरकार की योजना, चाहे पीने का पानी हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे आपके गैस पहुंचाने का हो, बहुत अच्छा विकास बुलंदशहर में हुआ है और उस विकास को सराहते हुए बुलंदशहर की जनता ने तीसरी बार मौका मुझे दिया है। लेकिन ज्यादातर देखा गया जिनके टिकट रिपीट हुए हैं उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन तीसरी बार जीतना अपने आप में एक रिकॉर्ड है, तो लगता है कि आपने क्षेत्र स्तर पर काम किया या कुछ चुनौतियां आई विपक्षी गठबंधन से? भाई, प्रयास हमारा ये रहता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजना हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता के माध्यम से प्रत्येक हमारे क्षेत्रवासी को उसका लाभ मिले, निरंतर हम उसका प्रयास करते रहते हैं। लेकिन कब कुछ लोग अलग समीकरण होते हैं, यूपी में जातिगत समीकरण भी काफी चलता है, अब हो सकता है कुछ सांसद जातिगत समीकरण की वजह से हमारे नहीं जीत पाए हैं। भोला सिंह की प्राथमिकता क्या है क्षेत्र के विकास के लिए तीसरे टर्म में? माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प विकसित भारत का और हमारा संकल्प विकसित बुलंदशहर का। क्या